तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है, बहुत ही जल्दी श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो जन्माष्टमी यह गणेश जी की गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मैं आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं कि गणेश पूजन किस तरह से किया जाए और किन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा विशेषकर फायदेमंद होता है और क्या विधि है जिससे हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी हो और जीवन की सारी समस्याएं दूर हो। अधिक विलंब न करते हुए आज मैं आपके सामने इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। अब मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने जा रहा हूँ श्री गणेश का। वैसे श्री गणेश जो है हमारे विघ्नकर्ता के रूप में माने जाते हैं, विघ्न नाशक माने जाते हैं और सर्व कार्य में जब कोई सा भी शुभ काम हो तब हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो आज मैं श्री गणेश को नमस्कार करते हुए हमारे जीवन के प्रबंधक यानी कि जीवन की जो कमान होती है, जीवन का मैनेजमेंट जो होता है श्री गणेश के हाथों में है। श्री गणेश की कितनी महिमा की जाए वो कम बाकी कमी होगा। श्री गणेश पूजन का अभी वर्तमान समय से नहीं, आदि काल से ही इनका पूजन किया जा रहा है और श्री गणेश को माना जा रहा है। तो श्री गणेश के बारे में विघ्नहर्ता जो है श्री गणेश ही है। श्री गणेश धैर्य, शांति और विवेक से जब कोई कार्य करता है, श्री गणेश हमें सर्वप्रथम क्या सिखाते हैं? धैर्य, शांति और विवेक। जो इनके बड़े बड़े कान हैं वे सिखाते हैं कि जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कोई आपके विरुद्ध बोले लेकिन सबकी सुनो और सबकी सुनने के बाद में जब उनका पेट मोटा है तो सबको पचा जाओ, ये धैर्य रखिए और बड़ी शांति से काम लीजिए और विवेक से अपनी बुद्धि से काम लीजिए। श्री गणेश का हम पूजन करते हैं तो तीन शक्ति हमें प्राप्त होती है, एक तो धैर्य, शांति और विवेक। यदि आप में विवेक होगा तो कोई गलत काम, गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, जो गलत कदम है वो नहीं उठा सकते हैं, ये मेरा दावा है। जब आप धैर्य, शांति और विवेक से जो भी कार्य करेंगे तो श्री गणेश विघ्न जो हर्ता है वो आपके सारे काम पूरे करेंगे। रिद्धि सिद्धि के दाता इसलिए कहे जाते हैं, अर्थात रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है सुख समृद्धि देने वाले श्री गणेश ही है। अब श्री गणेश जी का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो 19 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है उसके बारे में आपकी भ्रांतियां दूर कर देता हूँ। श्री गणेश पूजन जो होता है वो जैसे गणेश जी का जो जन्म हुआ है, श्री गणेश जी का जन्म दिन के ठीक 12 बजे हुआ है और इसलिए हमें वार कोई सा भी हो ठीक 12 बजे श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। लेकिन अलग अलग मत के अनुसार, समय अभाव के अनुसार यदि पूजन करते हैं तो 19 तारीख को मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन जो मुहूर्त देखा जाता है वो रोग से रोग उद्योग दो को टालते हुए चर लाभ अमृत यानी कुल मिला के 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। इस अवधि में आप पूजन कर सकते हैं। अब इसके बारे में पूजन कौन कर सकता है और किसको ज़्यादा फायदा मिलता है ये बता रहा हूँ। पूजन जो है श्री गणेश जी का अपने जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ देवगुरु या देवता है उनका पूजन है वो है कर्क, वृश्चिक और मीन। ये कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशि कहलाती है, इसलिए जिनका जन्म कर्क, वृश्चिक, मीन में हुआ हो या फिर जिनकी जन्म पत्रिका अनुसार जो लग्न है कर्क लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो या मीन लग्न हो, इन दोनों को या तो जिसकी राशि हो या लग्न हो, तो यदि ये श्री गणेश का अपने जीवन में पूजन का संकल्प ले ले और हमेशा ही, मैं एक दिन के लिए कहता हूँ, हमेशा ही यदि श्री गणेश जी का उपासना करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को कभी संकट नहीं आएंगे, ये संकट हटता भी हैं। तो ये तो वहाँ आपके राशि और लग्न के अनुसार। अब इसका एक महत्व और बताता हूँ, जनेऊ
गणेश जी को हम जनेऊ जी चढ़ाते हैं, वो जनेऊ चढ़ाने का मतलब होता है कि हमारी सारी परेशानी, हमारे सारे कष्ट जो है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपके श्री गणेश जी उस जनेऊ को धारण करने से आपके सारे कष्ट जीवन के है वो सब दूर कर देंगे। उसके बाद में आता है दुर्वा। दुर्वा का महत्व ये है कि विद्या के दाता है, तो विद्या और बुद्धि और सारी बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश है, इसलिए इनको दुर्वा विषम मात्रा में 11, 21, 51 आपके अनुसार चढ़ाए। और अभी श्री गणेश पूजन है, 10 दिन का कार्यक्रम होता है, इसमें रोजाना दुर्वा है या तो 11 चढ़ाए या 21 चढ़ाए, विशेष प्रावधान है। और कुछ मंत्र हैं, यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो ओम गम गणपते नमः, या विघ्न कर्ता विघ्न हर्ता विघ्नेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, आपकी जो भी मनोकामना बोलते जाइए और ये दुर्वा चढ़ाए। तो आपकी यह है दुर्वा जो है विद्या बुद्धि और सारी बाधाओं को दूर करेंगे। अब आता है लड्डू। लड्डू जो है ये सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। और सुपारी जो चढ़ाई जाती है, सुपारी का मतलब होता है जिम्मेदारी देना, आज की भाषा में जो सुपारी कहते हैं वो सुपारी इनको इसी तरह दे दी जाती है। तो सुपारी देने का मतलब है जो हमारा जो अमुक कार्य है उस कार्य के लिए हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो जब आप श्री गणेश जी को यदि जिम्मेदारी देंगे तो जिम्मेदारी से काम आपका कार्य निर्विघ्न करेंगे, ये है आपका। अब यदि स्त्रोत और पाठ की बात की जाती है तो पाठ कौन सा करना चाहिए, सबकी ये होता है प्रश्न कि हम गणेश सहस्रनाम करें या अलग करें या गणेश स्तुति पाठ करें। तो इन पाठों का भी अलग अलग महत्व है और अलग अलग जगह काम करते हैं। तो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग स्त्रोत और पाठ कहे जाते हैं, ये आपके मनोकामना के अनुसार आप कर सकते हैं। इससे आपके राजनीति में यदि कोई प्रवेश करना चाहता हो तो राजनीति का जो अनुष्ठान होता है वो गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें राजनीति में जो प्रवेश करना चाहता है उसको 100% सफलता मिल सकती है। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो लिंक में जो नंबर दिया है उसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप इस नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।